न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंडरकी के गांव संदलपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 6 किलोमीटर है। इस गांव की कमान श्रीमती विनोद कुमारी के हाथों में है। 4 वर्ष में इन्होंने गांव में काफी अच्छा विकास कराया है। विकास के पथ पर ये गांव अग्रसर है। 4 वर्षों में इन्होंने किस तरह से गांव को सजाया है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की दुकान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक कुंडरकी के संदलपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा 4 सालों में काफी विकास करवाया गया है, जिसकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान जो यहाँ प्रधान हैं उनसे लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं ग्राम प्रधान के पास। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैडम, 4 साल जैसे कि आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, पहले तो हमें ये बताइए कि इन 4 सालों में जो आपके द्वारा विकास, क्या क्या विकास कार्य आपने यहाँ करवा दिए? हमने शौचालय बनवाए थे गाँव में जी, और RCC में सड़कें टाइल्स बिछवाई थी जी, और आवास विकास मतलब जो आवास होते हैं वो भी सब मतलब जो गरीब वो है परिवार है माना पात्रों को, हाँ उन्होंने मतलब आवास दिलवाए जी। जैसे यहाँ पर सरकारी योजनाएं चली थी, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, तो ये लोगों को मिले हैं? हाँ, ये भी सबको मिले हैं जो गरीबी रेखा में है जी। पेंशन वगैरह मिल रही है? पेंशन भी मिल रही है जी। इसके अलावा यहाँ पर जैसे साफ सफाई की क्या व्यवस्था? साफ सफाई भी और सैनिटाइजर जो मतलब होता है नाली उलियों समय चलवा जी। ये अभी जो महामारी का टाइम पीरियड चल रहा है, कोरोना इतनी खतरनाक बीमारी फैली हुई है, इसमें लॉकडाउन भी लग गया 70 दिन का लगभग। इस लॉकडाउन के पीरियड में आपने लोगों की किस तरह से सेवा की या मदद की, या अपने स्तर पर कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे कि लोगों को मदद मिली हो आपके जरिए? मतलब उनके लिए खाना भी खिलवाया, जो गरीब है उनको अनाज भी दिया। अनाज भी आपने राशन मतलब तरफ से दिलवाया है जी। आपके गांव में जैसे क्या समस्याएं आप महसूस करती हैं जिनके लिए सरकार, आप चाहेंगी कि सरकार खास तौर से ध्यान दे ताकि सरकार की मदद मिले तो वो समस्याएं दूर हों? किस तरह की समस्या महसूस करती हैं? जैसे यहां पर सरकारी बिल्डिंग में स्कूल है, स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत घर, ये हाँ, पंचायत घर के लिए मतलब मैं बोल रही जी, पंचायत घर नहीं है, नहीं है यहाँ पर, बारात घर भी नहीं होगा? नहीं जी। सरकारी अस्पताल वो है मगर वो यूज नहीं हो रहा, मतलब यूज नहीं हो रहा, जैसे मतलब पुराना सा हो गया, खंडर सा, वो मतलब उधर गांव से बाहर बनवाया, डॉक्टर नहीं बैठा उसमें, तो उसमें कोई डॉक्टर नर्स या ANM वगैरह कुछ भी नहीं बैठते हैं? वो वहाँ जाती नहीं है तो यहाँ आंगनबाड़ी में बैठ जाती हैं जी। मतलब कोई डॉक्टर वहाँ पर बैठते नहीं, दवाइयाँ वगैरह का कोई लाभ वहाँ से मिलता नहीं जी? नहीं जी। सरकार से और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने गाँव को? और हाँ, मैं तो यही चाहूँगी कि मतलब हमारे गाँव में और विकास हो, कुछ जो मतलब समस्याएं वो दूर होनी चाहिए जी। जी जी बिल्कुल, इसीलिए हम जानना चाहते हैं किस तरह की समस्या आप चाहती हैं कि जो यहाँ दूर हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि मतलब जैसे कोई शादी में वाला मंडल होता है वो भी बनना चाहिए बच्चों के लिए जी, बच्चों के लिए जैसे मतलब खेल का मैदान होता है वो भी मैदान जी। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है। काफी विकास इन 4 सालों में यहाँ करवाया गया है, लॉकडाउन के पीरियड में, महामारी के दौर में भी यहाँ लोगों की इनके द्वारा काफी मदद की गई है। सड़कें, नाली, शौचालय, आवास यहाँ लोगों को मिले हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत घर को लेकर यहाँ पर ग्राम प्रधान ने प्रमुख मांग रखी है। इसके साथ ही यहाँ सरकारी अस्पताल जो कि गांव से थोड़ी बाहर है, लेकिन उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ना तो वहाँ डॉक्टर हैं और ना ही वहाँ कोई दवाई उपलब्ध हो पाती है, यानी कि कुल मिलाकर वहाँ से किसी को भी कोई किसी तरह का लाभ नहीं मिलता। मेरा सरकार से निवेदन है कि सबसे पहले तो जो है ग्राम प्रधान ने जो मांग रखी है उनको पूरा करने की कोशिश करें। इससे साथ ही मेरा निवेदन है कि जो गांव-गांव में अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, इनकी हालत में सुधार लाया जाए ताकि लोगों को यहां से कोई फायदा मिले, दवाई मिले, जिससे कि बीमारी कम से कम फैलने के चांसेज हों। अशरफ अली के साथ में नाज़रीन, टुडे 24।